अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रजा और आप देख रहे हैं रजा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोटर की आवाज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मोटर की ये आवाज़ सुन रहे हैं, तकरीबन घरों में इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो कि हर घर में होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी आवाज़ को दूर करने के तरीके पर बातचीत करेंगे। तो पहले मैं इस मोटर को बंद कर देता हूँ। दोस्तों, तकरीबन डंकी पंप के मोटर में ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें आवाज़ आ रही होती है और दूर से ही घर के बाहर से ही पता चल जाता है कि इसके घर में मोटर चल रही है। दोस्तों, ज़्यादातर ये आवाज़ जो है यहाँ से आ रही होती है और यहाँ पे ये पिस्टन का मसला होता है, इसका क्रैंक सेट अंदर से कट जाता है, बुश कट जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा शोर कर रही होती है। इसका एक हल ये है कि इसके क्रैंक सेट को चेंज किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप नया क्रैंक सेट डाल देंगे तो भी 2 से 3 महीने के अंदर फिर ये आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। इसका मेन वजह जो है इसकी आयल है। हम लोग आयल का सही ख्याल नहीं करते हैं जिसकी वजह से ये ऐसा मसला होता है। इसमें कौन सी आयल डालनी चाहिए और किस तरह से डालनी चाहिए, इसी तरीकेकार पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रजा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जैसा कि यहाँ पे आपको ये मोटर आयल नज़र आ रही है, तो ये आयल आमतौर पे 20-30 रुपए के बाज़ार में मिलते हैं और ये जली हुई आयल होती है जिसको रिफाइन करके आमतौर पे बेचा जाता है। और ये आयल जो है वो बहुत पतली होती है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारी आयल जो है वो नज़र भी आ रही होगी। जबकि इसकी जगह अगर हम इस ऑयल को इस्तेमाल करें, जैसा कि यहाँ पे सी ऑयल लिखा हुआ है, तो ये एक आम ऑयल है और ज़्यादातर ये मोटरसाइकिल के जंप वगैरह में इस्तेमाल की जाती है और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स के दुकान में ये ऑयल मिलती है। ये 50 रुपये की बोतल मुझे मिली है और ये ऑयल जो है आपको ऑयल वाले के दुकान पर भी मिल जाएगी। उन्हें भी आप कहेंगे सी ऑयल देना मोटरसाइकिल के जंप के लिए, तो वो आसानी से समझ जाएगा। तो ये ऑयल बहुत गाढ़ी होती है, बहुत मोटी होती है। इस ऑयल को अगर हम अपने डंकी पंप में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पंप में जो है आसानी से ख़राबी नहीं होगी और ये आवाज़ भी जो है वो भी आपको कम सुनाई देगी। बहुत कम लोगों को इस सी ऑयल के बारे में पता है कि इसे डंकी पंप में डालना चाहिए। अक्सर लोग जो है मोटरसाइकिल की जो ऑयल है उसे डालते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा यही है कि आप ये 20-30 रुपये वाला ऑयल डाल दें। और ये ऑयल डालने से पहले आपको इसके अंदर जो ख़राब ऑयल है उसे निकालना है। उसे निकालने का तरीका ये है कि आप नीचे देखें, यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को हमें खोलना है। जैसा कि यहाँ पे आपको एक बोल्ट नज़र आ रहा है, यहाँ 13 की चाबी लगाएंगे तो ये बोल्ट खुल जाएगी। इसके जो अंदर जितने ख़राब ऑयल गंदे ऑयल हैं उन्हें हम निकालेंगे और उसके बाद फिर इस ऑयल को डालेंगे। तो पहले हम इस बोल्ट को खोल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इसके जो है नीचे वाले बोल्ट हमने खोल दिए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह का ऑयल इसके अंदर मौजूद है। तो ये सारा ऑयल गिरने के बाद हम इसी बोल्ट को दोबारा से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसमें इस सी ऑयल को डालेंगे। उसके बाद दोबारा हम चला कर चेक करेंगे। जैसा कि पहले आपने इस मोटर की आवाज़ सुनी है, अब दोबारा इसे चलाने के बाद फिर हम इसकी आवाज़ को ट्राई करेंगे कि मैं थोड़ा सा इसे हाथ से भी इस तरह चला लेना है कि अंदर थोड़ी बहुत ऑयल हो तो वो निकल जाए। कतरा कतरा तेल गिर रहा है तो इसे हमें कुछ देर छोड़ देना है। अब हम इसमें इस सी ऑयल को डालते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मोटी ऑयल है। क्योंकि ये ऑयल काफी मोटी है इस वजह से इतना टाइम लग रहा है ऑयल जाने में, तो मैं इस हिस्से को थोड़ा स्किप करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने इस पूरी बोतल को इस पंप में डाल दिया है, अब हम इसे चला के चेक करेंगे। तो चलिए अब हम इसे चलाते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी इस डंकी पंप की आवाज़ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ये बहुत पुरानी पंप है और इसका पिस्टन काफ़ी कटा हुआ है, लेकिन फिर भी इस ऑयल को देने के बाद इसकी पहले वाली आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मोटर का जो क्रैंक सेट है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा और जल्दी इसमें आवाज़ पैदा नहीं होगी। मैं पहले वाली आवाज़ आपको सुनाता हूँ।
जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पहले कितनी तेज़ आवाज़ थी और अभी आवाज़ कम हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।